दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश प्रशांत किशोर उर्फ पीके क्या कांग्रेस को खड़ा कर सकते हैं वो कांग्रेस जो लड़खड़ा रही है आज हमारी बातचीत के केंद्र में यही विषय है प्रशांत किशोर उर्फ पी के कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार बनेंगे ऐसे समाचार आ रहे हैं फिर बताया जा रहा है कि प्रशांत कांग्रेस के सिर्फ चुनाव रणनीतिकार ही नहीं होंगे वो इस बार कांग्रेस में शामिल होकर उसके नेता भी बनेंगे शायद पार्टी में उनको राष्ट्रीय महासचिव या महासचिव कम्युनिकेशन का पद मिलेगा उनकी हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई वहां और भी कई बड़े नेता मौजूद थे जो कार्य समिति के सदस्य हैं इन सभी लोगों के समक्ष उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चुनाव रणनीति का एक प्रेजेंटेशन वहां पर दिया बताते हैं कि वहां सोनिया राहुल और प्रियंका के अलावा जो नेता थे उन्होंने आपस में डिस्कशन करके ये तय किया कि कुछ लोगों को कांग्रेस अध्यक्ष अधिकृत करें कि वो इस प्रेजेंटेशन की समीक्षा करें और फिर वो कांग्रेस अध्यक्ष को बताएं कि आगे क्या किया जाना चाहिए ऐसे जो लोग हैं उनके नाम हैं पी चिदंबरम अंबिका सोनी प्रियंका गांधी दिग्विजय सिंह जयराम रमेश मुकुल वासनिक केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला तो ये लोग तय करेंगे कि ये प्रेजेंटेशन की रोशनी में क्या कांग्रेस को करना चाहिए और फिर वो सोनिया गांधी को रिकमेंड करेंगे सोनिया गांधी फैसला करेंगी ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो उदयपुर में संभावित चिंतन शिविर होने वाला है मई महीने में उसके पहले और संभवतः राहुल गांधी के विदेश से लौट आने के बाद यानी मई के दूसरे सप्ताह के आसपास बहुत संभव है कि प्रशांत किशोर के बारे में फैसला कर लिया जाए बताते हैं कि कांग्रेस को प्रशांत किशोर ने सभी सीटों के बजाय तीन सौ पचास से कुछ अधिक सीटें लड़ने की सलाह दी है एग्जैक्ट नंबर तीन सौ सत्तर सीटों का बताया गया है छह सीटों पर उनका कहना है कि समान विचार के दलों के साथ तालमेल करना चाहिए बताते हैं कि संगठन को सुदृढ़ करने के लिए भी कुछ खास सुझावों को उन्होंने पेश किया प्रेजेंटेशन के बाद अब जो भी होगा वो बाद में तय होगा लेकिन एक बात जरूर आज बहुत जरूरी है कांग्रेस प्रशांत सम्मेलन को लेकर कई तरह के सवाल और कई तरह की अटकलें बरकरार हैं सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं चुनाव लड़ने की वो तरकीब बताते हैं वो चुनाव इंजीनियर हैं कह सकते हैं आप राजनीतिक विचारक या राजनीतिक रणनीतिकार नहीं है वो कांग्रेस को लेकर एक बड़ा सवाल यह है कि उसकी सबसे बड़ी जरूरत आज क्या है चुनाव लड़ने की तरकीब बताने वाले व्यक्ति की उसको जरूरत है या राजनीतिक विचार देने वाले व्यक्ति की जरूरत है एक तजुर्बेकार राजनीतिक रणनीतिकार की जरूरत है कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का रोग कुछ और है और डॉक्टरी इलाज कुछ और खोजा जा रहा है ऐसे में कांग्रेस को वाकई पीके का सहारा मिलेगा या पीके फेल होने के लिए अभिशप्त होंगे कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी यह बड़ा सवाल है दोस्तों अगर राजनीति और विचार का संकट दूर किए बगैर सिर्फ चुनावी रणनीति या चुनावी तरकीब से मसलों को हल किया जा सकता था तो सन 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय स्तर की बड़ी पार्टी बड़े आधार वाली पार्टी के साथ एलायंस और प्रशांत किशोर की, की चुनावी रणनीति के बावजूद कांग्रेस का बंटाधार क्यों हुआ हालात क्यों नहीं सुधरे और हालत क्यों खराब हो गई पिछले काफी समय से कांग्रेस की यही स्थिति है सिर्फ यूपी में नहीं ज्यादातर राज्यों में सन 2017 में प्रशांत किशोर के सहयोग से पार्टी ने अपनी स्थिति को संभालने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश की थी बहुत प्रचार हुआ था पहले उन्होंने शीला दीक्षित की अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान करवाया फिर सपा से गठबंधन के बाद अखिलेश का चेहरा आगे रखा गया पीके के कहने पर कांग्रेस ने यूपी में खटिया सभाएं की वे बहुत चर्चित रहीं खूब फोटो छपे पर उन खटिया सभाओं से कुछ भी नहीं निकला चुनाव में कांग्रेस की खटिया खड़ी हो गई सपा को कुल सैतालीस सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया उसे चार सौ तीन सदस्यीय सदन में एक तीन सौ बारह सीटें मिली कांग्रेस के खाते में सिर्फ सात सीटें आई जबकि प्रशांत रणनीतिक प्रशांत किशोर जब राजनीतिक तौर पे देखरेख में नहीं थे उस कांग्रेस के तो मैं जहां तक याद आ रहा है कि उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी और 21 सीटें 21 सीटें उसकी झोली में आई थी ये बात 2012 की है तो 2017 के चुनाव के दौरान यूपी में सपा की अगुवाई वाली अखिलेश यादव की सरकार थी यह भी नहीं कहा जा सकता है कि बहुत धांधली की गई क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार उस समय चल रही थी दोस्तों कांग्रेस इस बार काफी फूंक फूंक कर कदम तो बढ़ा रही है लेकिन वो अपने कंफ्यूजन को दूर नहीं कर रही है हमारी शुभकामना उसको है अगर वो कुछ नया करती है तो क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी हो स्वाधीनता आंदोलन की पार्टी हो वो उसका इस तरह लड़खड़ाना शायद देश के लिए उचित नहीं है डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है विपक्ष बहुत जरूरी है बट कांग्रेस की असल समस्या चुनाव रणनीति की दरिद्रता या तरकीब की कमी मुझे उतनी नहीं लगती है जितनी राजनीतिक विचार की अगर राजनीतिक विचार हैं तो रणनीति अपने आप सम, सामने आ जाती है कई बार मुझे लगता है कि पार्टी को और उसके नेतृत्व को आज तक यह बात समझ में नहीं आ रही है कि हिंदुत्ववादी राजनीति के मौजूदा दौर में जब हिंदी भाषी क्षेत्र में देश के बड़े हिस्से का जो अपर कास्ट हिंदू समुदाय है वह आज भाजपा के साथ जा चुका है तो कांग्रेस को अपने को रिलेवेंट पॉलिटिकल फोर्स बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए पिछले दशक एक सालों से दस एक सालों से अब भी वह अपने खोए हुए अपर कास्ट हिंदू बेस को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करती नजर आती है उसे लगता है कि जैसे ही अपर कास्ट हिंदू उसके पास आया मुस्लिम भी साथ आ जाएगा और दलित भी एक हिस्सा उसका आ जाएगा इस तरह वह पावर में फिर आ जाएगी छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे कुछ सूबों को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस हर जगह इसी कोशिश में जुटी दिखाई देती है वो अपर कास्ट के बाहर झांकने या अन्य समूहों को अपने साथ जोड़ने की कोई ठोस रणनीति पर कम से कम काम करती और जगह नजर नहीं आ रही है यूपी बिहार मध्य प्रदेश जैसे तीन बड़े राज्यों का उदाहरण लीजिए उसके टॉप नेता और रणनीतिकार सभी के सभी अपर कास्ट हिंदू समुदाय से आते हैं इन सूबों का ओबीसी और दलित कांग्रेस से किसी भी अन्य पार्टी के मुकाबले ज्यादा चिड़ता है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आजादी के बाद से सन 2014 तक इन तक सूबों में उसने और उसकी सरकारों ने यानी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों ने जितने दिन तक रही उन्होंने ओबीसी को कभी भी सेवाओं में कृषि क्षेत्र में और सत्ता संरचना में वाजिब हक नहीं दिया तीनों सूबों में ओबीसी आबादी तकरीबन चौवन फीसदी मानी जाती है कांग्रेस के चलते ही ओबीसी आरक्षण वर्षों तक लंबित रहा उसकी रिपोर्ट सचिवालय की आलमारी में बंद पड़ी रही मंडल आयोग की रिपोर्ट को जब वीपी सिंह सरकार ने मंजूर कर उसे लागू करने का ऐलान किया तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे कांग्रेस ने सितंबर उन्नीस में मंडल रिपोर्ट की लोकसभा के अंदर जमकर आलोचना की और उसे लागू न करने की सरकार को सलाह तक दे डाली क्या कांग्रेस ने अपने इस राजनीतिक अपराध के लिए जिम्मेदार तत्वों और विचारों के सामाजिक आधार आधारों की कभी शिनाख्त की किन लोगों ने पार्टी के तत्कालीन अपेक्षाकृति राजनीतिक और, और अनुभवहीन नेतृत्व को मंडल विरोध करने की सलाह दी थी क्या यह सच नहीं है कि सन उन्नीस में जब पार्टी सरकार में आई तो सन उन्नीस में कोर्ट के फैसले के बाद मंडल रिपोर्ट भले ही लागू हो गई पर दलित पिछड़ों के विरोधी ही सरकार में ज्यादा हावी रहे अर्जुन सिंह जैसे अपेक्षाकृत समावेशी सोच के मंत्री ने जब उच्च शिक्षा में एफॉर्मेटिव एक्शन को इंट्रोड्यूस करना चाहा तो मंत्रिमंडल से लेकर कार्य समिति तक ऐसे तत्वों ने उस प्रपोजल का विरोध किया था अंततः सन 2007 में वो लागू हो सका इसका श्रेय अर्जुन सिंह को जाता है क्या कांग्रेस ने अर्जुन सिंह के अवदान को कभी आदर के साथ जनता में पेश किया क्या यह सही नहीं कि बेंगलुरु के राष्ट्रीय महाधिवेशन में 2001 की बात है जब कांग्रेस विपक्ष में थी लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी तत्कालीन कांग्रेस नेता उस अधिवेशन में जो गए थे चंद्रजीत यादव ने जो इंदिरा गांधी के जमाने में बड़े कैबिनेट मंत्री रह चुके थे उन्होंने एक बड़ी वैचारिक बहस छेड़ी और मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के सामने उन्होंने कहा कि जिस तरह आर्थिक सुधार और उदारीकरण की नीतियां एनडीए की सरकार वाजपेयी सरकार केंद्र में उन दिनों थी दोस्तों लागू की जा रही हैं वो सुधार का अमानवीय और कारपोरेट फेस पेश करती हैं कांग्रेस को इसका जमकर विरोध करना चाहिए यह बात चंद्रजीत यादव ने कही विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमारा यह फर्ज है लेकिन आश्चर्यचकित आश्चर्यचकित हो गए लोग जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के कई नेता मंच से बताते रहे कि देश में आर्थिक सुधारों को लेकर अब आम सहमति है उसके विरोध का क्या औचित्य है क्या यह सही नहीं है दोस्तों कि ऐसी टिप्पणी करने वाले चंद्रजीत यादव को सोनिया मनमोहन जी की शालीन मौजूदगी में ही मंच पर कांग्रेसियों द्वारा बेइजत किया गया उन्हें माइक छोड़ने के लिए बाध्य किया गया उनके द्वारा उठाए सवालों पर सिर्फ अर्जुन सिंह ने ही दबे स्वर में कुछ सहानुभूति दर्शाई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस आर्थिक सुधारों का मानवीय चेहरा देने की पक्षधर है इसके लिए निरंतर सचेष्ट है, दोस्तों कांग्रेस एक बात आप देखिए आज कांग्रेस महंगाई का विरोध कर रही है बेरोजगारी का विरोध कर रही है मोदी सरकार पर अटैक करती है इन, इन चीजों के लिए यदा कदा वो अंधाधुंध निजीकरण का विरोध कर देती है पर क्या उसके पास कोई मुकम्मल आर्थिक सोच है जो उसे मनमोहन चिदंबरम की नौ उदार उदारवादी नीतियों से अलग दिखाए आज के बड़े राजनीतिक आर्थिक संकट में कांग्रेस की क्या सोच है देश का बड़ा कारपोरेट मौजूदा सरकार की अंध सांप्रदायिकता और उग्र हिंदुत्ववादी नीतियों के साथ खड़ा है क्योंकि उसे सब कुछ इस सरकार द्वारा हासिल किया जा रहा है हासिल कराया जा रहा है उसके एसेट्स 200 से 300 गुना बढ़ रहे हैं निजीकरण और टेकओवर का अंधड़ बह रहा है ऐसे में कांग्रेस सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई के सवालों को बड़े चलताऊ ढंग से उठाकर जनता में कैसे लोकप्रिय हो सकती है क्या वो मौजूदा सरकार की प्रो कॉर्पोरेट नीतियों के खिलाफ खड़ा होने को तैयार है मेरा सवाल दोस्तों यह भी एक है कि नेहरू गांधी की रहनुमाई वाली ये पार्टी जो एक समय महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की रहनुमाई में चलती थी क्या पीके यानी प्रशांत किशोर की अगुवाई में वो वाकई कोई ऐसी रणनीति हासिल कर पाएगी जिससे कि वो आगे बढ़े सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्तों कि चार पांच उठपटांग सलाहकारों से घिरे कांग्रेस के मौजूदा जो टॉप नेता हैं टॉप नेता आम की बात छोड़िए अपनी ही पार्टी के खास लोगों से वो कैसे नेतृत्व को मिलने तक नहीं देते ज्यादा दिन नहीं हुए मैं अपना एक अनुभव बताऊं पार्टी की एक प्रांतीय इकाई के चार पांच पदाधिकारी एक दिन मुझसे आंध्र भवन की कैंटीन में लंच करते मिल गए वो परिचित थे दुआ सलाम के बाद मैंने पूछा कैसे आना हुआ कब लौटना है उन्होंने कहा कि पिछले चार, चार दिन से वो दिल्ली में डटे हुए हैं राहुल जी या प्रियंका जी से मिलना है मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं मिलने के बाद ही लौटेंगे मैंने पूछा मिलने का चांस नहीं मिला तो उन्होंने मायूस होकर कहा सर हम न तो हिमंता बिस्वा शर्मा हैं कि उपेक्षा के कारण पार्टी छोड़ दें और न ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं कि लगातार महत्व मिलते रहने के बावजूद पार्टी छोड़ दें विचारों से बधे हैं हम सब लोग साठ पार हो चुके हैं इसी पार्टी में रहेंगे और इसी के साथ मरेंगे ये टिप्पणी कांग्रेसियों ने मेरे सामने की आठ साल से कांग्रेस विपक्ष में है वो बुरी हालत में है पर राहुल प्रियंका के ज्यादातर एडवाइजरों के घमंड और एरोगेंस को अगर आप देखिए तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का एरोगेंस भी आपको कम लगेगा अभी आपको एक और ताजा उदाहरण देता हूं पिछले दिनों एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं केवी थॉमस केरला के थामस, केरल और केरल में ये मंत्री रहे हैं केंद्र में बहुत बड़ी बड़े उहदों पर भी केंद्र में रहे हैं पिछले दिनों सीपीआईएम के नेशनल कॉन्फ्रेंस में यानी अधिवेशन में एक सेमिनार हुआ उसके आसपास और उस सेमिनार में पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी थे आई मीन सीताराम येचूरी उन्होंने इनवाइट किया केवी थॉमस था थामस साहब को कि वो भी आए उन्होंने ये भी बताया कि स्टालिन साहब भी आ रहे हैं तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं डीएम के सबसे बड़े नेता एम नेता उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे थॉमस ने पार्टिसिपेट क्या किया सीपीआईएम के सेमिनार में इस पर शोकाज नोटिस आ गया शोकाज नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है और अपने जवाब में जो दलीलें उसमें दी हैं उसमें उन्होंने एक तथ्य का भी उल्लेख किया है और तथ्य क्या है दोस्तों बताया है उन्होंने थामस साहब ने कि कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता के बावजूद वो पिछले तीन साल से पिछले तीन साल से राहुल गांधी से मिल तक नहीं सके हैं और उनको बिल्कुल राहुल गांधी से मिलने की कई कई बार कोशिश की बर बट उनको आज तक इसका कोई वक्त नहीं मिला तो ये हालत केवी थॉमस की है दोस्तों अब आपको मैं फिर लौटते हैं कांग्रेस पीके गठबंधन पर पीके के स्वभाव से ही अगर आप देखिए तो वो व्यक्ति केंद्रित पार्टियों के साथ रहकर चुनावी रणनीति बनाने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं सन 2012 में गुजरात में जब उन्होंने मोदी के लिए काम करने की शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी जी के लिए तो संघ भाजपा जैसे संगठन और काडर आधारित पार्टी होने के बावजूद उन्हें गुजरात में सिंगल कमांड वाली भाजपा मिली थी मोदी सर्वे सर्वा थे और उनके नीचे अमित शाह थे फिर 2014 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की चुनावी रणनीति बनानी शुरू की उस वक्त भी वो नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं फिर उन्होंने नीतीश कुमार ममता बनर्जी जैसे लोगों के लिए काम किया कांग्रेस के लिए सिर्फ दो के यूपी चुनाव में काम किया वो कभी सफल रहे तो कभी असफल भी सन 2017 में वो बुरी तरह असफल साबित हुए पर प्रशांत और उनकी कंपनी गजब की मार्केटिंग करते हैं वे पीके को ऐसे पेश करते हैं मानो वो जो भी चुनाव हाथ में लेते हैं उसे जिताकर ही मानते हैं मजे की बात है कि अब तक जितने भी बड़े और प्रमुख चुनाव उन्होंने जिताए उन सब में जीतने वाली पार्टी प्रशांत के बगैर भी चुनाव जीतने की स्थिति में थी प्रशांत के आने से मार्जिन जरूर बढ़ गया होगा क्या सन 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू और नीतीश कुमार के महागठबंधन को कोई भी दल बिहार में हराने की कल्पना कर सकता था उस समय क्या 2012 में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में कोई भी पार्टी हराने की स्थिति में थी क्या 2021 का बंगाल का चुनाव ममता को प्रशांत ने जीताया ममता स्वयं भी जीत रही थी हां पीके ने मार्जिन जरूर बढ़ाया होगा और हाँ एक बात और पीके अगर कांग्रेस में जाते हैं कल्पना कीजिए तो ये पहली बार नहीं होगा कि वह रणनीतिकार से नेता बनेंगे इससे पहले वो दो के चुनाव के बाद जनता दल यू के उपाध्यक्ष भी बने थे नीतीश कुमार जी ने तब पत्रकारों से बातचीत में एक दरमियान एक बार कहा कि उन्होंने तो अमित शाह जी के कहने पर अपनी पार्टी का पीके को यानी प्रशांत किशोर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया था है ना कमाल की बात अब वह कांग्रेस में आने वाले हैं अब मैं नहीं जानता कि इस बार किसके कहने पर आ रहे हैं किसके कहने पर पार्टी में शामिल हो रहे हैं यह तो कांग्रेस ही बता सकती है कांग्रेस की स्थिति दोस्तों लेकिन बहुत विकट है प्रशांत की नहीं प्रशांत तो मस्त है वो जहां भी रहते हैं अच्छी स्थिति में रहते हैं सन 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अपने बल पर एक भी विधानसभा चुनाव जीत नहीं सकी है सन 2019 के बाद अब तक 17 विधानसभा चुनाव लगभग हुए 16 या 17 हुए हैं एक में भी सफलता नहीं मिली सिर्फ झारखंड और तमिलनाडु में ही उसे कुछ कामयाबी मिली पर वो उस राज्य के प्रमुख सहयोगी क्षेत्रीय दलों के कारण मिली झारखंड में जेएमएम तमिलनाडु में डीएम देश के सबसे बड़े यूपी में कांग्रेस की बेहाली भयावह है प्रियंका का डंका बजाने चुनाव में उतरी कांग्रेस को 2022 में महज दो सीटें मिली और वोट मिले ढाई फीसदी से भी कम उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों में भी कांग्रेस का को कोई कामयाबी नहीं मिली जहां भाजपा की सरकारें थी और एंटी इनकंबेंसी को भाजपा ने कंट्रोल कर लिया सत्ता विरोधी माहौल को भुनाने में कांग्रेस नाकाम रही गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस ने हार का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है वहां वो लगातार छह बार चुनाव हार चुकी है ऐसे में कांग्रेस के सामने समर बहुत मुश्किल है अगर वो सिर्फ पीके को चुनावी तरकीब के जरिए पीके की चुनावी तरकीब के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में फिर से अपनी असरदार मौजूदगी जताना चाहती है तो वो बहुत मुगालते में है इसके लिए उसे अपने आप को बदलना होगा नेताओं को बदलना होगा नीतियों की धार बदलनी होगी तभी कांग्रेस का कुछ हो पाएगा दोस्तों मुझे कम से कम ऐसा ही लगता है नमस्कार आदाब सत श्रीकाल